Hey friends, welcome to Renu's Crafty Tales. In this video, I have tried making some expensive garden decor items using inexpensive items, discarded items. So I was searching for home decor item. So first, मुझे ये दिखाई दिया नेस्ट एशिया का कर्व फेरी डेकोर. तो फर्स्ट DIY में मैंने ये LED यूज करके इसको बनाया है. तो लेट्स स्टार्ट. सो आई हैव टेकन एन LED बल्ब और उसका मैंने ये प्लास्टिक का पोर्शन रिमूव कर लिया है और उसके बाद ये वाला पोर्शन ले लिया है. तो मैं दो फेरी साइमल्टेनियसली बना रही हूँ. तो सबसे पहले मैंने ले लिया है ये एल्यूमिनियम फॉयल और उसको ऐसे रोल रोल करके और यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे राउंड सा बना लिया है, क्योंकि इससे हम इसका हम बनाएंगे हेड पोर्शन. ये कॉइल जो फॉयल वाला पोर्शन है ना. और अब इसके बाद में ये फॉयल को रिमूव कर लूँगी मैं और फेवी बोन की हेल्प से इसको यहाँ पे फिक्स कर लूँगी. फॉयल में भी थोड़ा सा फेवी बोन लगा लेंगे जिससे कि ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा. और इसे फिर से थोड़ा सा शेप दे देंगे, राउंड कर लेंगे इसको. और उसके बाद मैंने ले लिया मोल्डेड, क्योंकि ये गार्डन पोर्शन गार्डन एरिया में रखने के लिए थोड़ा ऐसा चाहिए जो वाटर रेजिस्टेंट हो. तो मैंने फिर मोल्डेड यूज़ किया है, क्योंकि ये रेजिन बेस्ड क्ले होती है. इसके लिए थोड़ा सा पूरी मोल्डेड एक साथ नहीं करना कभी भी, क्योंकि फिर वो हार्ड होने लग जाती है. तो थोड़ी जितनी चाहिए उतनी लेके हाफ हाफ पोर्शन एक रेजिन और एक हार्डनर और उसको मिक्स कर लेंगे. मिक्स करने के बाद मैंने ऐसे रोल बना लिए और रोल बना के फिर ये जो हमने एल्यूमिनियम फॉयल वाला पोर्शन है हेड पोर्शन, इसके ऊपर फेविकोल की हेल्प से इसको फिक्स कर लेंगे. और इसे ऐसे धीरे धीरे फिक्स कर लेंगे. और टेलकम पाउडर की हेल्प से इसे स्मूथ भी करते जाएंगे साथ के साथ. फिर जो भी इसका एक्सेस क्ले है ना, उसको हम कट करके रिमूव कर देंगे अभी ऐसे शेप बनाने के बाद. और ये मैंने ऐसे रिमूव कर लिया. इसको पूरा अच्छे से स्मूथ कर लेंगे टेलकम पाउडर लगाकर. फिर इसके बाद मैंने थोड़ी सी क्ले ले ली है और इसको ऐसे राउंड कर लिया और फिर थोड़ा सा इसको रोल कर लिया है थोड़े से पोर्शन को. कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं. मैं तो ऐसे मार्कर वगैरह, ज़्यादा बड़ा पोर्शन हो तब रोलर यूज़ करती हूँ, अदरवाइज तो ऐसे ही मार्कर वगैरह से रोल कर लेते हैं. फिर इसके टू पोर्शन कर लेंगे तो ये दो सेमी सर्कल रेडी हो जाएंगे. इसको पाउडर की हेल्प से स्मूथ करके फिर हम इसका यहाँ पे हेयर पोर्शन बना देंगे ऐसे. ये हेयर पोर्शन या स्कार्फ का पोर्शन है, जो भी समझ लीजिए इसको. फिर से हम थोड़ी सी क्ले ले लेंगे, रोल कर लेंगे उसको फिर से. अब थोड़ा सा लंबा कर लेंगे इसको. पहले मैंने सोचा था बेल्ट ना बनाऊं, पर फिर पतली सी बेल्ट लगाने मुझे लगा ठीक लगेगा, तो मैंने ये पतली सी इसकी एक बेल्ट बना दी है. और इसे भी इसमें स्टिक कर देंगे. और हम अब इसका स्कार्फ बना लेंगे. इसके लिए थोड़ी सी क्ले ज्यादा ले लेंगे, फिर उसे भी रोल करके और उसे ऊपर वाली साइड पे हेड पोर्शन पे लगा लेंगे. फिर
इसका स्कार्फ जैसे रेडी हो जाएगा। जहाँ पे भी कहीं क्रैक सा लगे या कुछ ऐसा लगे तो उसे मिला के और उसके पाउडर से स्मूथ कर लेंगे उसको। काफ़ी अच्छी क्ले होती है वैसे ये, और वाटर रेजिस्टेंट भी होती है, तो गार्डन वगैरह के लिए बेस्ट है। और फिर हम इस स्कार्फ के इधर बो बना लेंगे। और अब हम इसे इसके हैंड्स बना देंगे। मैंने इसके दोनों हैंड्स को मिला दिया जैसे कि लगे कि ये जो है नमस्ते कर रही है। फेरी विद फोल्डिंग हैंड्स। तो फिंगर के इंप्रेशन दे देंगे कटर से। तो ये रेडी हो गई हमारी फेरी बिल्कुल प्रॉपर। और अब हम इसमें कलर कर लेंगे। तो मैंने एक्रेलिक कलर में टेलकम पाउडर मिक्स कर लिया, इससे ये चॉक पेंट जैसा बन जाता है। मैं जनरली जो क्ले पोर्शन होता है उससे पहले वाइट कलर कर लेती हूँ। इस वाली फेरी में नहीं किया है मैंने, डायरेक्ट येलो कलर ही कर दिया है इसमें। फर्स्ट कोट मैंने दिया है ये येलो कलर का, और इसके ऊपर सेकंड कोट फिर मैंने दिया था जो पर्ल एक्रेलिक कलर्स आते हैं उसका येलो कलर। सेकेंड वाले में मैंने फिर से वाइट कर लिया। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बेस में अगर बेस कोट हम वाइट कर लें तो कलर थोड़े ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं। फिर और यही पर्ल वाली किट का पिंक कलर है ये। स्किन कलर कर लिया है फेस पे और हैंड्स पे। इसको ऑरेंज में वाइट करके भी बना सकते हैं स्किन कलर को, या फिर ब्राउन कलर में थोड़ा सा वाइट मिक्स करके, या फिर रेड येलो एंड वाइट कलर। और ये मेरी फेरीज रेडी हो गई हैं और ये हमें वेलकम कर रही हैं। एंड सेकेंड DIY का आइडिया मिला है मुझे चुंबक से, जिसमें आई हैव मेड अ फ्रॉग एंड अ बनी। इसके लिए भी मैंने ले लिया LED बल्ब, और हेड पोर्शन बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये प्लास्टिक के कंटेनर जिसमें फूड पैक होके आता है। और मैंने बना लिया है पुट्टी क्ले, वाटर और पुट्टी को मिक्स करके, जो मैं बहुत बार अपने वीडियोस में दिखा चुकी हूँ पहले। उसके बाद ये हम रोल बना के राउंड राउंड बना लेंगे और उनसे बना लेंगे आइज़, और फेविकोल की हेल्प से इनको फिक्स कर देंगे। और फिर कैप से इसमें मैं ऐसे इम्प्रेशन दे दूंगी राउंड सा पेन की कैप मार्कर की कैप लेके। फिर ऐसे एक और रोल बना लेंगे और उससे हम इसका माउथ बना लेंगे। ये बनी है। तो ये इसका हेड पोर्शन रेडी हो जाएगा ऐसे। फिर हम ये LED का जो ये वाला पोर्शन है इसको लेके, जो थिक मोटा सा पोर्शन होता है ना उसको ले लेंगे
और उस पर अब हम हैंड्स और लेग्स बना लेंगे। तो पहले थोड़ी सी पुट्टी क्ले लेके उसको रोल कर लेंगे और थोड़े थोड़े से पोर्शन लेके पॉज बना लेंगे एनिमल के। ये हल्का सा ट्रायंगुलर शेप देके और इसे कट कर लेंगे ऐसे। और ये जो हमने रोल बनाया है इसको दो पार्ट्स में कट कर लेंगे तो इससे हैंड बन जाएंगे। इसको भी हम फेविकोल की हेल्प से ऐसे लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लें कि जिससे जब भी मेरा वीडियो आए तो आपको इमीडिएटली पता चल जाए। बताइएगा आपको ये वाले कैसे आइडिया कैसे लगा, पसंद आया, कितने कॉस्टली है वो आइटम, बट हम घर में उन्हें ईजीली ऐसे आइडियाज़ यूज़ करके LED वेस्ट डिस्कार्डेड ही तो रहती है, निकल एक बार वो ऑफ हो जाती हैं तो फिर तो उनसे हम बिल्कुल वैसे बना सकते हैं। ये दोनों एक जैसे ही बनाने थे, दोनों के हैंड्स और लेग्स, तो इसलिए मैं दोनों को साथ साथ बनाती जा रही हूँ। अब फिर से हम वैसे ही क्ले को रोल कर लेंगे और इससे बन जाएंगे दो लेग्स। पुट्टी क्ले में बस पानी बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे ऐड करेगा, क्योंकि कई बार थोड़ी सी लूज हो जाती है फिर मुश्किल होती है। मेरी भी इसमें थोड़ी सी लूज हो गई पर कोई भी नहीं, बन जाएगा ये आराम से, नहीं तो थोड़ी सी और पुट्टी मिला के इसको हार्ड कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा क्रैक होने का वो रहता है, ज़्यादा हार्ड हो जाती है तो। ये इसका एक लेग रेडी हो गया, ऐसे ही दूसरा लेग भी रेडी कर लेंगे दूसरी साइड पे और फिर से ये लेग्स में ये पॉज बना के अटैच कर देंगे। और अब हम इसमें कर लेंगे कलरिंग, कलरिंग अपने मन पसंद, जिसको जो भी कलर पसंद आए। वैसे गार्डन में ब्राइट कलर्स रखे हुए अच्छे लगते हैं, कलरफुल लगता है गार्डन, तो मैंने रेड और येलो यूज किया है। ये जो मैं कलर करती हूँ ना इसमें, मैं इसको चॉक पेंट टाइप का बन जाता है जब इसमें टेलकम पाउडर मिक्स कर लेते हैं। हम इसे पुट्टी पाउडर भी मिक्स कर लेते हैं, कर सकते हैं, पर मैं ज़्यादा करके टेलकम पाउडर ही यूज़ कर लेती हूँ। एक्रेलिक कलर में टेलकम पाउडर मिक्स करके चॉक पेंट जैसा बन जाता है। फिर मैंने ले लिया ये प्लास्टिक शीट, ये मिठाई के डिब्बे में आई थी, उससे मैंने बनी के ईयर्स कट कर लिए और उनको भी कलर कर लिया है। और ये पर्ल पिंक कलर है, पर्ल वाली किट का। और फ्रेंड्स, जब ये कलर वगैरह सारे ड्राई हो जाएंगे अच्छे से, तो उसके बाद में जो हमने हेड पोर्शन बनाया है उसको मैंने मोल्डेड लेकर और फेविकोल लगाकर, फिर मोल्डेड लगा के और फिर फेविकोल लगाकर हेड पोर्शन को इसमें अटैच कर दिया है, तो ये अच्छे से इसमें स्टिक हो जाएंगे। तो ये मेरा रेडी हो गया एक बाउंसी बनी
और एक फनी फ्रॉग। देखिए मेरा बनी, बताइएगा। देखिए अब गार्डन में मैंने इसे रख दिया, आप भी अपने गार्डन को ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। बताइएगा आपको इनमें से कौन सा आइटम सबसे अच्छा लगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप क्रिएटिंग एंड कीप क्राफ्टिंग।